नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ SSC के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, SSC स्टेनोग्राफर का फाइनली अभी कुछ दिन पहले आप सभी का एग्जाम हुआ था, तो उसकी फाइनली आंसर की रिलीज कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन से आंसर की कैसे चेक करनी है इसके बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। देखिएगा, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो के साथ एंड तक बनिएगा और आप कंप्लीट वीडियो को देख लेंगे तो सारा कुछ आप सभी के समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप इसी तरह की अपडेटेड वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जहां पे मैं आप सभी के लिए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूं। तो आप सभी के लिए वहां पे आपको वीडियो नहीं बना पाता, कभी कभी क्या होता है, तो इस वजह से मैं वीडियो जो भी अपडेट होती है सबसे पहले दे देता हूं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो भी अपडेट है सबसे पहले दे दिए। यहां पे मैंने आपका लिंक भी शेयर कर दिया, यहां से आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल से भी लिंक आप यहां पे डायरेक्ट चेक कर लेंगे। ठीक है, यहां से आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो भी आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, या फिर मैं आपको इसका लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करा दूंगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहां पर सर्च किया, थोड़ा सा सर्चिंग लेगा क्योंकि अभी सर्चिंग नेटवर्क बहुत स्लो है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इस यहाँ का लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सभी के सामने स्टेप्स इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपके कुछ बेसिक से डिटेल्स हैं जो कि आपको डालनी होगी। जैसे कि पहले वाले कॉलम में आपको अपना रोल नंबर डालना है, जो भी कैंडिडेट का रोल नंबर है वो कैंडिडेट का रोल नंबर फिल करना होगा एडमिट कार्ड पे। ठीक है, एडमिट कार्ड देख के उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड में क्या है कि आपके अपने DOB जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको अपनी DOB फिल करनी होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पे आप सभी के सामने एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लॉगिन का। ठीक है, इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और वो भी डिटेल आपको अपने एडमिट कार्ड से मैच करके डालनी है। अगर आप अच्छे से नहीं फिल करेंगे तो आप नहीं चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए कैंडिडेट की डिटेल्स को हम फिल करते हैं, फिर आप सभी के सामने आते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैंने कैंडिडेट की डिटेल्स को अच्छी तरह से फिल कर लिया। सेम टू सेम ऐसे ही आपको भी अपनी डिटेल्स को अच्छे से फिल करना है, यानी कि पहले वाले कॉलम में आपको अपना रोल नंबर फिल करना होगा, उसके बाद दूसरे वाले कॉलम में आपको अपना पासवर्ड मीन्स आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करने के बाद आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। चलिएगा, हम लॉगिन वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिएगा थोड़ी देर आपकी सर्चिंग लेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अगर आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है तो वहाँ पर तुरंत आपके लिए डाउनलोड कर देगा, देखिए तुरंत आपके लिए ले लेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा सर्चिंग ले रहा है तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर बहुत नेटवर्क यानी कि इस टाइप से इंटरफेस लेगा, देखिए सर्चिंग ले रहा है ना। अभी यहाँ पे मैं इस टाइम पे बाहर हूँ, इस वजह से थोड़ा सा नेटवर्क भी अच्छा नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। इसी टाइप से आपकी सर्चिंग लेगा और आपके एक ऑप्शन आएगा, मैं अभी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा। उसके बाद देखिए, आप सभी के सामने स्टाइप्स इंटरफेस खुलेगा। सिंपली आपको करना कुछ नहीं, नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन आएगा आप सभी के सामने क्लोज का। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप लोग देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल यहाँ पे आपकी खुल के आ जाएगी। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं, आपकी प्रोफाइल से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बहुत छोटे से, मैं आप लोग देख सकते हैं, जूम करेंगे तभी आपको दिखेगा या फिर आप अच्छे से दिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लिक हेयर का ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं आप लोग दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से आप सभी को। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे दिखेगा आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, थोड़ी सी देर सर्चिंग लेगा और सर्चिंग लेने के बाद आप सभी का खुल के आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे खुल के आ चुका है। क्या था उनका क्वेश्चन वगैरह सारा कुछ ऊपर आपकी डिटेल्स दे रखी होगी, कैंडिडेट का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, उनका किस सेंटर पे हुआ वो आपकी डिटेल दे रखी है। बाकी आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपके इस टाइप से दे रखे हैं, कैसे क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि लोग देख सकते हैं, मैं आपको एक आंसर की चेक करने का तरीका बता देता हूँ, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट को पता होगा, नहीं पता तो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं यहाँ पे इनका जो ऑप्शन है वो ऑफिशियल आंसर की के थ्रू वो उनका सेकेंड ऑप्शन सही है। जो इन्होंने चूज किया है वो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया, इन्होंने भी दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसका मतलब इनका जो क्वेश्चन है एकदम करेक्ट है। ठीक है, इसी टाइप से आपको भी चेक करना होगा। ठीक है, अगर मान लो किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो इसी टाइप से आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि इन्होंने इनका चौथा है, यहाँ पे भी चौथा है, तो इसका मतलब सही है, या आप जो आपने क्वेश्चन जो चूज़ किया है वो यहाँ पर ऑप्शन होता है और जो करेक्ट आंसर होता है वो यहाँ पर आपका ग्रीन ऑप्शन होता है। ठीक है, आंसर की चेक करने का तरीका यही है। और देखिए, अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट का ऑप्शन भी ऊपर आप लोग देख सकते हैं, ऊपर प्रिंट का ऑप्शन भी आप सभी के लिए मिल पाएगा। यहाँ से आप अपना प्रिंट भी कर सकते हैं इस आंसर की को। ठीक है, अपना आंसर की मैं चेक करके बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। तो लेकिन मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा, ये आंसर की आप आज से लेके यानी कि 25 नवंबर से लेके आप 28 नवंबर शाम के 6 बजे तक ही आप चेक कर पाएंगे। इसके बाद आप अपनी आंसर की को नहीं चेक कर पाएंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट बाद में देखे इस वीडियो को, बाद में कमेंट करे, तो मैं उसके लिए पहले ही बता रहा हूँ, ये आप बाद में चेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्शन भी लेना चाहता है तो ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट भी 28 नवंबर 2021 है शाम के 6 बजे तक। ठीक है, आई होप मैं आपको जो भी बताने वाला था छोटी सी वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आंसर की चेक कर लीजिएगा, आपके कितने स्कोर आता है वो अपना कमेंट बॉक्स में बता सकता है। अगर आपको मेरे सबसे वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है, तो बस आपसे कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करें सभी दोस्तों में और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो लेके आऊं आपको तुरंत अपडेट मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।